वहाँ जाए आप तो मालूम चले आपको कितना सूखा पड़ा है, धरती बंजर पड़ी है, उनके पास पानी नहीं है, बेचारा रो रहा, चल रहा, भूखा मर रहा है। अब वो दिन दूर नहीं है, नेता भाग यानी नेता भागेंगे गांवों में से, पूरी राजस्थान के किसान बिल्कुल कर्जवान हो गए। आज बेचारा ऐसी जिंदगी जी रहा जो कह नहीं सकते, जय जवान जय किसान आज नारे की कोई अहमियत नहीं है। सरकार मूर्ख बनाते थी कर्जों के नाम पर, और हमारा कर्ज सिर्फ मीडिया सरकारों को ही गुनगाता है, उन किसान मजदूर के भरोसे मानने की बात नहीं है। भूखे प्यास हम क्यों आए यहाँ पर, इसी मांग को लेकर आए श्रीमान मोदी जी से कि हमें ये योजना पूरी करें। नमस्कार, मैं प्रियंका, इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आप लोग तमाम आंदोलन देखे होंगे, लेकिन ऐसा आंदोलन जो आज़ादी के अमृत महोत्सव में पानी के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, आज़ादी का अमृत महोत्सव मना लिया गया, लेकिन आज भी ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, कहाँ से आए हैं सर, कहाँ से आए हैं? हम करौली जिले से आए हैं। तो ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आप लोग को जंतर मंतर आना पड़ा? ऐसी नौबत इसलिए आ गई क्योंकि जिन नेताओं ने हमें ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित और जिनका ही प्रोजेक्ट था, उस पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई इस मामले को लेकर, तो इस मामले को लेकर आज हम जंतर मंतर पाए हैं। आप लोग बता रहे हैं पानी की समस्या, जबकि भारत में कहा जा रहा है कि अमृत काल चल रहा है। बिल्कुल गलत है, वो तो क्या मूर्ख बनाते हैं, और सिर्फ ये परमात्मा ने मीडिया वाले ही बताते हैं। उन गांवों में जाके पूछो कि कितनी परेशानी है बेचारे, किस तरह की जिंदगी जी रहे हैं। उन किसानों से जाके कहीं पूछना आपके मीडिया के माध्यम के जाके, सिर्फ मीडिया सरकारों को ही गुनगाता है, उन किसान मजदूरों के भरोसे मानने की बात नहीं है, गरीब मजदूरों को। और आज जो किसान मेरे साथ चलो आप, मैं बताता हूँ कि हमारा किसान कितना परेशान है, पूरी दर दर भटक रहा है बेचारा, जिनके पास 10-10 बीघे जमीन है उनके पास पानी नहीं है, बेचारा रो रहा है, चिल्ला रहा है, भूखा मर रहा है। इस समस्या को लेकर आज जंतर मंतर पर आना पड़ा। तो कितनी दूर जाना पड़ता है आप लोग को पानी लेने के लिए? हमें पानी के लिए कम से कम 200-300 किलोमीटर जाना पड़ता है। हमारे बोर बिल्कुल सूखे, हम बर्बाद हो गए, एक बोर में हमारे में 5-5 लाख रुपए लगते हैं, कर्जवान हो गया किसान बेचारा। सरकारें मूर्ख बनाते थी कर्जों के नाम पर, और हमारा किसान बिल्कुल कर्जवान हो गया। आज बेचारा ऐसी जिंदगी जी रहा जो कह नहीं सकते, जो इस देश में नारा लगता था ना जय जवान जय किसान, आज नारे की कोई अहमियत नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे आप देखेंगे कि जवान भी धरने पे बैठे हुए हैं, और आप लोग पानी की समस्या को लेके आए हैं, तो क्या वहाँ के ग्राम प्रधान जो आवाज सुनते नहीं है? यहाँ पर इधर हमने जो धरना देखा वो भी जवानों का है, इधर ये धरना चल रहा है ये किसानों का है। अगर सरकारें सही तरीके से काम करती ना, आज जो हम जिस प्रोजेक्ट को लेकर आज जंतर मंतर पर और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को और उन नेताओं तक पहुंचाना चाहते हैं ना, उन सरकारों तक, उन्हीं का प्रोजेक्ट है। मगर इस प्रोजेक्ट को इन सरकारों ने, चाहे हमारे राजस्थान की सरकार हो या वर्तमान नरेंद्र मोदी की सरकार हो, उन्होंने एक तरह से फुटबॉल बना दिया। कभी तो कह देते हैं कि राजस्थान सरकार करेगी और केंद्र कह देती है कि भाई राजस्थान सरकार करेगी, मगर सरासर इसमें ज्यादातर गलत है, तो वो है केंद्र सरकार। यानी कि गोलमोल आप लोग को घुमाया जा रहा है, कभी राज्य कभी केंद्र, तो आप लोग क्या कहेंगे कि केंद्र सरकार ही इसको रोक रही है? बिल्कुल ये सही है, केंद्र सरकार इस पर कोई ना तो क्रियान्वित करती है, क्योंकि हमने स्वयं मिले हैं। आज हमारा यहाँ पर आने की क्यों ही नौबत आई, क्यों एक महिला बेचारी पैदल चली अपने बच्चों को छोड़कर, हमारे सभी साथी भूखे प्यास हम क्यों आए यहाँ पर, इसी मांग को लेकर आए। अगर इनकी नियत में खोट है सरकार की, में अगर इनकी नियत सही होती तो आज हमारे पूरी राजस्थान में पानी होता, हरियाणा की तरह हरियाली होती पूरी राजस्थान, प्रत्येक घर में दीपावली भी मनती और ईद भी मनती, भाईचारा भी बढ़ता। मगर ये एक तरह से क्या बोले इनको, एक तरह से फुटबॉल बना दिया इनने। तो जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि भारत जो है विकास कर रहा है, विदेशों में डंका बज रहा है, तो आप लोग क्यों आए हैं यहाँ? हम हमारी ERCP को राष्ट्रीय पन्ना घोषित करवाने, सरकारों का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए, या हमारे द्वारा चुने हुए जो सांसद हैं, जो लोकसभा में बैठे हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि, उनका ध्यान आकर्षित करवाने के लिए वो हमसे कुछ कहते हैं गांवों में जाकर, और यहाँ पर 1% हमारे हित की बात नहीं करते लोकसभा में। तो जब वोट मांगने जाते हैं तो आप लोग अपनी समस्या नहीं रखते? अब रखेंगे, अब प्रत्येक पूरी राजस्थान का किसान जाग चुका है, अब वो दिन दूर नहीं है, नेता भाग यानी नेता भागेंगे गांवों में से, पूरी राजस्थान के, चाहे करौली हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे दौसा हो, चाहे अलवर हो, चाहे जयपुर जमवारा, कोई सा भी जिला हो, इस प्रोजेक्ट में अजमेर से लेकर अलवर तक इतनी बड़ी क्रांति आ चुकी है ERCP को लेकर, कि नेताओं को इग्नोर करके किसानों को बचाने के लिए बड़ी मुहिम
और क्रांति छिड़ चुकी है, इसे कोई भी सरकार रोक नहीं सकती जब तक पानी नहीं आएगा। आप लोग वोट की चोट करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो हमारे साथ महिला भी हैं, ये राजस्थान से आई हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अमृता मीना जी। मैं फिलहाल इनके साथ आई हूँ RCP के मामले में, क्योंकि हमारे 13 ज़िले हैं, जो क्या बताएं, वहाँ जाए आप तो मालूम चले आपको कितना सूखा पड़ा है, धरती बंजर पड़ी है, और टैंकों से पानी डलवाने में मतलब वो अपनी प्यास बुझा रहे, दूर दूर से टैंक पटका रहे घर में, इसके लिए भी वो कितना दूर जाना पड़ता है आप लोग को टैंक का पानी लेने के लिए? टैंक का पानी तो देखो कोई 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर मंगवाते ट्रैक्टर टैंक से। तो ये जब घर में पानी स्टोर करके रखते हैं तो कितना दिन चल जाता है? वो तो फैमिली के ऊपर है, देखो जितने ज़्यादा फैमिली होगी तो कम दिन चलेगा, कम फैमिली होगी तो ज़्यादा दिन। पानी कितने दिन पे आता है? पानी तो कहीं कहीं तो आता ही नहीं है, वैसे चल रही है परियोजना के जो घर घर नल, कहीं पहुंच गया कहीं नहीं पहुंचा है, वैसे कर रही है सरकार भी, लेकिन पूरी तरह सरकार काम नहीं कर रही है, जिससे पब्लिक बहुत परेशान है। तो क्या कहेंगे कि यहाँ पे आप लोग पैदल चल के आई हैं इतनी तपती गर्मी में, और जब पानी पीने के लिए बच्चे रोते हैं तो कहाँ से मैनेज करती है? देखो वो तो अपनी अपनी वहाँ पे सब कोई व्यवस्था करता है, सरकार तो वहाँ नहीं जाती है पानी पिलाने के लिए, अपना अपना जुगाड़ अपना जैसे भी कर पाती है पब्लिक। टैंक है, कहीं दूर कुआं है, कहीं नल आ रहा है पड़ोस में, जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ तो पानी की देखो कोई कमी नहीं है, बट मेरे से आगे जाओगे आप पूर्व राजस्थान में तो बहुत पानी की किल्लत है। तो कहा जा रहा है कि वहाँ पे फिर खेती बाड़ी, आप लोग का रोजगार कैसे चलता है? बाहर जाती है जैसे भी गुजारा करने के लिए, अपनी परिवार का पेट पालन करने के लिए शहरों में जाते हैं काम करने के लिए। यानी कि पानी बिल्कुल भी नहीं आता? हाँ कहीं कहीं तो बिल्कुल पानी नहीं है, पीने के लिए तो आ जाएगा, सिंचाई के लिए कहाँ आएगा मैडम? पानी पीने के लिए तो हम भी ले आते हैं, सरकार भी दे रही है, लेकिन पानी तो पूरी तरह तभी आएगा जब ये परियोजना पूरी लागू होगी। मेरा तो यही है श्रीमान मोदी जी से कि हमें ये योजना पूरी करें। आपने बढ़िया काम तो कर रहे हैं मोदी जी। हाँ बढ़िया कर रहा है, बढ़िया तो जब होगा जब हमारी पूर्व सरकार राजस्थान सरकार को पानी, पब्लिक को पानी मिलेगा तब। और सब बढ़िया है मोदी जी? बढ़िया बढ़िया है अपनी अपनी जगह पे। हाँ मैं तो समर्थक में आई हूँ क्योंकि मैं पब्लिक के साथ हूँ, मेरे को जनता ने चुना है तो मैं भी उनके साथ हूँ कि पानी हमें मिले। तो देख लीजिए ये कांग्रेस पार्टी से हैं और इनके समर्थन में आई हैं, राजस्थान जो है कितनी किल्लत है पानी की, आप 10 मिनट इस गर्मी में बिना पानी के नहीं रह सकते, लेकिन आज हालात ऐसे हो गए हैं कि राजस्थान में पानी नहीं है, 100-200 किलोमीटर ये लोग चल के पानी के लिए जाते हैं। तो इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।